खबर मिल रही है इस वक्त, राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। जिलेवार कांस्टेबल भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने सरकार की तरफ से पैरवी की और राज्य सरकार की अपील को खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। तो राजस्थान के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। सरकार की अपील को खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है और एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। तो कांस्टेबल भर्ती 2019 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिलेवार कांस्टेबल भर्ती का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के जो आदेश थे उसको रद्द कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं और महाधिवक्ता एम एस सिंघवी की तरफ से सरकार की ओर से पैरवी की गई थी। राज्य सरकार की अपील को खंडपीठ ने अब स्वीकार कर लिया है। तो तमाम अपडेट के साथ सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, देखिए बड़ी राहत मिली है प्रदेश को हाईकोर्ट की तरफ से, और क्या कुछ जानकारी? राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी राहत है कि उसने जो भर्ती है, इस कांस्टेबल भर्ती 2019, उसमें करीब 500 से ज्यादा जो पदों के लिए भर्ती निकाली थी और हाईकोर्ट के अंदर गई थी सरकार। सरकार ने कहा भी था कि वो जिलेवार जो भर्ती है उसको चुनौती दी गई थी। एकलपीठ का जो आदेश है हाईकोर्ट ने, इस पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट के समक्ष अब वापस जब अपील करी सरकार की, तो अपील को मंजूर कर लिया गया है और एक तरह से ये जो जिलेवार भर्ती होती है पुलिस कांस्टेबल की उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी राहत है। साथ ही एकलपीठ का जो आदेश दिया गया था जो जिलेवार भर्ती पर रोक लगाई थी उसको हटा दिया गया, तो ये रद्द कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी कह सकते कामयाबी है राजस्थान सरकार की कि उसको जल्द ही जो ये भर्ती है उसको कंप्लीट की जा सकेगी और ये अब जो एकलपीठ का आदेश था उसको भी रद्द कर दिया गया है। सरकार के लिए अपील मंजूर हो गई है। जी निजाम, ये बताएं कि महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने भी सरकार की तरफ से पैरवी की थी, पैरवी में क्या कुछ बातें रखी गई कोर्ट के सामने? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो महाधिवक्ता है उन्होंने सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश रखे और साथ ही कहा कि इससे पहले भी जो भर्तियां हैं वो जिलेवार हुई है, क्योंकि कांस्टेबल जो लेवल है वो बेहतर तरीके से जो क्षेत्र की स्थिति है, जो जानकारी है, वो सभी जो है जिलेवार सही तरीके से उनकी भर्ती की जा सकती है और इसलिए अब तक जो है जिलेवारी भर्ती होती आई है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के भी अधीन है, इसलिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो वो जो सरकार के जो तर्क थे उनसे हाईकोर्ट जो है हाईकोर्ट ने माना है और इसके साथ अपील को मंजूर किया है। बिल्कुल निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से ये राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, यानी कांस्टेबल भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है।